एक आवश्यक सूचना। मैं रमेश टुडू 26 भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मेरे ऊपर मिर्जा चौकी थाना की संख्या 48/21 दिनांक 4/8/2021 एक केस दर्ज है, जो SDJM साहेबगंज झारखंड न्यायालय में है। उक्त केस की जानकारी अपने क्षेत्र की जनता को देने हेतु टीवी चैनल को उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से सभी को जानकारी हो, साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। तीसरे चरण में 7 मई को खगड़िया में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर NDA घटक दल से लोजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने समाहरणालय परिसर स्थित DM कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान कर्पूरी मैदान खगड़िया में आयोजित जनसभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर, विधायक डॉक्टर संजीव सिंह, विधायक पन्नालाल पटेल, विधायक लन पासवान सहित कई विधायक और NDA घटक दल के नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखकर जहां चिराग पासवान ने लोगों से राजेश वर्मा को भारी बहुमत से जिताने की अपील करते हुए कहा कि आप एक नहीं दो दो सांसद चुन रहे हैं, मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि और मातृभूमि खगड़िया है और राजेश वर्मा मेरा छोटा भाई है। चिराग पासवान यहीं नहीं रुके, उन्होंने राजेश वर्मा को दिखाते हुए कहा कि देखिए हम दोनों का चेहरा भी एक जैसा है, इसको चुनकर आप प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत बनाएं और दोगुनी रफ्तार से खगड़िया के विकास में अपना योगदान दे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लाल झंडे के चक्कर में नहीं पड़ना है, राजेश वर्मा जैसे ही जीतेंगे केंद्र में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि खगड़िया उनके रग रग में बसा हुआ है और खगड़िया के सम्मान के लिए लोजपा प्रत्याशी को अपना मत करे। इसके बाद सभा में मौजूद लोगों से सहमति लेकर सभी नेताओं ने राजेश वर्मा को जीत की अग्रिम माला भी पहनाई। नहीं पड़ रहा है, कोई जातियों के कार्ड में नहीं ना खेल रहा है। देखिए एकदम स्पष्ट नहीं है, ये राजेश वर्मा चुनाव जीत कर नहीं जाएंगे। राजेश वर्मा जैसे ही चुनाव जीतेंगे वैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बिहार से 40 की 40 सीट जिताना हमारा नीतीश कुमार जी का काम है, चिराग जी का काम है, उपेंद्र कुशवाहा जी का काम है, जीतन राम मांझी जी का काम है। इसलिए बिहार की जनता और खगड़िया तो हमारे रग रग में खगड़िया है, हम खगड़िया के सम्मान के लिए चाहते हैं एक एक वोट राजेश वर्मा के हेलीकॉप्टर चाप पर देने का काम कीजिए। और साथियों एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में जो माफियाओं का राज है ना, ये सारे लोगों का इलाज करूंगा, कोई बच नहीं सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में कोई बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया या तो बिहार छोड़ दे नहीं तो उसको परमानपुर के जेल में स्वागत करूंगा। एकदम आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हो सकता है मैं कई जगह नहीं जा सकूं, कुछ जगह तो मैं जाऊंगा, लेकिन राजेश वर्मा को एक एक वोट देना है साथी। और राजेश वर्मा को इसलिए मैंने कहा, ये तो बच्चे के समान है, आप लोग कहिए तो माला पहना दे हम सब लोग मिलकर, माला पहनाए ना, देखिए आप ही लोग के कहने पे माला पहना रहे हैं। आइए चिराग जी, आइए पहना रहे हैं। सभी लोगों को फिर से प्रणाम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की। भाइयों मित्रों और नौजवान साथियों, उस हुजूम को देखकर ही यह बात स्पष्ट हो रही है, आप सब लोग पार्लियामेंट निश्चित रूप से भेजने वाले। अभी जब आगाज ही इतना अच्छा है, पंजाब कितना अच्छा है, के अंदर जोश इतना अधिक है
बड़े बड़े लोगों का होश ठिकाना लगा दीजिएगा। आप सब लोगों से आग्रह है कि जोश और होश अपना कम से कम बनाए रखिए, जोश भी रहे और होश भी रहे। इस बार देश के लोगों ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री फिर से बनाना है, एनडीए सरकार को ही दिल्ली में बनाना है। देश के लोगों ने तय कर लिया और ऐसा इसलिए है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने शासन काल में समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जिसके लिए कुछ न कुछ नहीं किया है, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए किया है। चाहे भारत की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार हो, दोनों सरकार मिलकर गरीबों की निरंतर सेवा करने का काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब पहली बार 2014 में उम्मीदवार बनकर घूम रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए, 2019 के चुनाव के पहले भी बहुत सारे वादे किए। उस समय जो वादा उनकी ओर से हो रहा था, विपक्ष तो विपक्ष, पक्ष के भी कुछ लोग सशंकित होते थे, कहते थे इतना बड़ा बड़ा वादा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पता नहीं पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब तो गर्व के साथ हम सब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही है जिन्होंने एक एक वादा जनता के साथ किया, उसको पूरा करके दिखाया है। उन्होंने पूरा करने का काम करेंगे जी। बाहरी है, आप बताइए चिराग पासवान बाहरी है क्या? चिराग पासवान बाहरी है क्या? मेरे पिता का जन्म यहाँ पर हुआ, मेरा बचपन इस धरती पे गुजरा, तो ऐसे में जब चिराग पासवान बाहरी नहीं तो मेरा छोटा भाई राजेश वर्मा बाहरी है। भाई लगता है कि नहीं लगता? जगह मिलती है कि नहीं? तो जब चिराग पासवान बाहरी नहीं तो राजेश भी बाहरी नहीं है। आप लोगों को सब रामविलास पासवान जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, चिराग पासवान को सोचकर आप लोगों को मतदान देना है। आप लोगों के लिए यहाँ से राजेश होगा नहीं, चिराग पासवान को यहाँ से चुना जाएगा। और एक सांसद नहीं, आप लोगों को यहाँ से दो दो सांसद मिलने जा रहे हैं, एक राजेश होंगे दूसरा चिराग पासवान होंगे। कितना राजेश करेंगे साथियों, आगामी 7 तारीख को सबको, तमाम रिश्तेदार भाई बंधु तमाम साथियों को लेकर मतदान केंद्र जाना है और वहां पर जाकर कौन से छाप पर बटन दबाना है? हेलीकॉप्टर। अभी जिससे हम लोग आए वही हेलीकॉप्टर है। आगामी 7 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप पर अपना बटन दबाए, सब लोग तैयार है? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाएं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है,
जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की सनहौला थाना क्षेत्र स्थित राधिका क्लिनिक में एक गर्भवती महिला को 24 मार्च को भर्ती कराया गया था, जहां पर ऑपरेशन के बाद महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया। इसके बाद डॉक्टर ने महिला को घर भेज दिया। घर आने के 2 दिन बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने राधिका क्लिनिक के डॉक्टर से संपर्क किया और फिर अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद यहां पर डॉक्टरों ने 2 इंजेक्शन दिए, जिसके कुछ देर बाद महिला को दर्द से राहत मिली, लेकिन फिर अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। गंभीर स्थिति में महिला के परिजनों ने उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई, जबकि नवजात शिशु सुरक्षित है। मृतिका की पहचान 35 वर्षीय कमनूम निशा के रूप में की गई है। इधर मौत की सूचना पर परिजन आक्रोशित हो गए और सनहौला स्थित राधिका क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के दौरान इलाज में बड़ी की है, जिस कारण महिला के पेट में खराबी आ गई और इलाज के दौरान पटना PMCH में मौत हो गई। इधर घंटों चले हंगामे के बाद राधिका क्लिनिक के संचालक ने परिजनों से बातचीत कर उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शांत हुए। ये क्लिनिक फर्जी है, इसमें ताला लगना चाहिए। आए दिन यहाँ पेशेंटों का शोषण होता है और मतलब डेट हो जाता है, बॉडी भेज देता है पटना। डिलीवरी परसेंट भूरा खाप से आया हुआ था, पहले सरकारी हॉस्पिटल आया, उसके बाद वहाँ से रेफर कर दिया। मुबारक नाम करके है गांव का, जिसका आसार का पति है, उससे कहा भाई देखो हमको जहाँ रेफर कर रहा है तो जहाँ पहले भेजा था ना वहीं लेके जाए। तो बोला कि हम इस सिस्टम में नहीं जाएंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ। हम बोलते हैं यहाँ तो जाता है तू वहाँ। तो बोला कि इसके दिमाग काम नहीं किया, डर के मारे यहाँ चला है, ऑपरेशन किया। यहीं पे ऑपरेशन हुआ था, कब हुआ था ऑपरेशन? पहले सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल गए थे पहले, तो उसके बाद उससे रेफर कर दिया। ऑपरेशन का जरूरत था वहाँ, उसका व्यवस्था नहीं था, यहाँ वही दिया। सरकारी अस्पताल से आपको यहाँ कौन भेजा था? भेजा नहीं, रेफर जैसे किया तो इसलिए बोला कि भाई देखो पहले जो आप भेजा था सबौर में एक बार हुआ था 6 साल पहले, तो उसका सब कुछ जाना हुआ है, वही भेज दो। मुबारक नाम करके है, इसने बोला कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, अभी होली का टाइम है, गर्दा दे देगा तो गोलियां मार देगा, ऐसा ऐसा बोलता है कि डरा देता है। डर के मारे बेचारा बोला जहाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये डर के मारे यहाँ ले आया। अब कितना मिलता है उसको ये नहीं मिलता है, ये नहीं पता, जान गंवा दिया यहाँ के वास्ते। घटना हुआ के ऑपरेशन होने के बाद 8 दिन के बाद घर गया, घर जाने से बाद उसमें उसको दर्द शुरू हुआ, दर्द शुरू हो गया तो हो सकता है दर्द हुआ, देखा दर्द सुई दिया, उल्टी हुआ, उल्टी होने के बाद उस दिनों 7-8 दफ़ा उल्टी हुआ, डॉक्टर साहब मौजूद है मेरे पास, वो 4 सुई दिया नहीं हुआ, फिर दूसरी दिन दर्द हुआ, फिर 4 सुई लगाया नहीं हुआ, उल्टी बन हुआ, दर्द शुरू हो गया, उसके पेट दर्द हो गया, 2 दिन रह गया घर में, उसके बाद फिर दर्द हुआ, दूसरे डॉक्टर के बुलाया, बोला ठीक है देखते हैं, 2 दिन दवा दिया, उसने कहा कि देखो इसका अंदर में जो है ना हथेली जो है पीछ आ गया, तुम जोर से बोलिए, जोर से दूसरे के चले जहाँ से तुम कराया है उसके बाद वहाँ चला, यहाँ आया नहीं था डॉक्टर, डॉक्टर इसको बोला, नर्स को बोला कि फ़ोन कीजिए डॉक्टर कब आ रहा, हाँ आ रहा है, आ नहीं आएगा, इतवार था नहीं आया, वो बोला फ़ोन से बात कीजिए, तो फ़ोन से क्या किया नहीं किया, 4 सुई दिया, दर्द कम किया सुबह से शाम तक, दर्द कमने के बाद घर चला गया, घर से नमाज पढ़ के फिर यहाँ पे आया, इसका कहना था कि इसमें क्या क्या बोलता उसको एक्सरे कराना होगा, एक्सरे करा के लेकर आओ, उस दिन क्या हुआ, उस दिन बंद था दोनों जगह बंद था, इतवार था, उसी हालत के दर्द एक हालत में टेम्पू किया 1100 में, उसके बाद गया वहाँ भागलपुर में गया, वहाँ पे 2 दिन रखा, वहाँ से जो किया है आ जाया फिर लास्टे कर लास्ट में क्या कुछ लिख के दिया डॉक्टर की मृत्यु होने का कारण क्या था, कुछ लिख के दिया? वो खाली बोला कि देखो इसमें जो आया है लिख के दिया, इसमें जो दिया था ना ऐसा सवाल करता है, इसका अंदर में जो हुआ है वो आंख जो है सड़ गया है,
वो कोई लिख के नहीं देता है, उसका कहना जो आया है मशीन में वही बताता है। ये सटने की कारण की गलती किया है डॉक्टर, जो भी गलती किया ऐसा बोला, वो फट गया है, वो गल गया, सही गया है तो लाश को नीचे कीजिए, पूरा करके ओपन करके देखिए जब फूट बनता है, ऐसा बात है। तो अभी देखो उसको कैसे रास्ते गया, अतली सड़ गया, किस कारण सड़ा, इसी कारण सड़ा है। भागलपुर में बेखौफ बदमाशों ने कपड़ा व्यवसायी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र की पंखा टोला स्थित लीची पट्टी मैदान की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पड़ोस के ही एक युवक ने उसे देर रात फोन किया और अपने साथ बाइक बैठा कर ले गया था। सुबह घटना की जानकारी परिजनों को स्थानीय लोगों ने दिया कि भाई की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना पर पहुंचे मृतक के छोटे भाई मोहम्मद सहबाज ने शव की पहचान की। घटना की जानकारी मिलने के बाद CTSP राज एवं नगर DSP 2 राकेश कुमार एवं 3 थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मरने वाले की पहचान इमरान उर्फ खाजा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि इमरान उर्फ खाजा को देर रात पड़ोस के ही युवक इब्राहिम उर्फ मुर्गा ने फोन कर बुलाया था और अपने साथ लेकर गया था। देर रात परिजनों ने मृतक से काफी बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को आसपास के लोगों ने दी। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ डॉग की टीम ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मृतक के छोटे भाई सहबाज ने बताया कि इमराम उर्फ मुर्गा से कुछ दिन पहले मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था, फिर दोनों के बीच मेल मिलाप हो गया था। आशंका जताई गई है कि इसी विवाद को लेकर मृतक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मामले को लेकर CTSP राज ने बताया कि धारदार हथियार से एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मामले को लेकर जांच की जा रही है। मृतक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामला यही था, कुछ दिन पहले उसके घर परिवार वाले से मारपीट हुआ था। इमरान के परिवार वाले को किससे मारपीट हुआ था? खाजा मेरे दोस्त से। ठीक है, तो बदला लेने के चक्कर में इसको ला के यहाँ पे पिला खिला के काट दिया। ये कितने बजे घटना है? ये घटना हम बता नहीं सकते कितने बजे की है, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि वो मेरा दोस्त था और उसको इमरान मुर्गा ला के मरवाया है। ये घटना कितने बजे, मतलब रात की है या सवेरे? रात की घटना, ये हम लोग बता नहीं सकते। सूचना आप लोग को कितने बजे मिली? हमको सूचना सुबह में मिली है। अच्छा, उनका क्या नाम था? घर में मरने वाले का नाम इमरान खाजा है। हाँ। बहुत अच्छा लड़का था, नेक लड़का था। मारने वाला का क्या नाम है? मारने वाले का इमरान मुर्गा नाम है और उसके साथ एक छोटू नाम का लड़का, ये झुपड़पट्टी का दुकान पे आया था। कौन आया था? इमरान मुर्गा। अच्छा, वही बैठा के गाड़ी पे लेके आया। इमरान मुर्गा कुछ दुश्मनी उस्मनी था क्या? दुश्मनी है, उन लोग तो दोस्ती की तरह रहता था, साथ में दुश्मनी का सवाल, साथ से उठता बैठता था। मारने का वजह कुछ तो होगा, वो हम लोग नहीं बता सकते। ये घटना कितने बजे हुई थी? इस 7 बजे शाम में उठा के लाया वहाँ दुकान पर। सूचना मिली है कि इमरान जो हबीबपुर कराने वाला है, ये कपड़े के कपड़ा का दुकान खुले हुए हैं, जिसका विवाद दाऊद नगर के इमरान मुर्गा के साथ जो चल रहा है, जो कि एक अपराधी कर्मी है, उसी साथ इसका विवाद हुआ था। उसी को लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उसके द्वारा ही इससे घर से बुलाकर शाम को हत्या कर दी, घरने की बात बताई जा रही है।